मऊ रानीपुर में अग्निशमन केंद्र का भूमि पूजन क्षेत्रीय विधायक व उपजिलाधिकारी मऊ रानीपुर द्वारा किया गया, जिसे 1128.73 लाख की लागत से बनाया जाएगा। अधिशासी अभियंता अवधेश राय ने बताया कि मऊ रानीपुर में काफी समय से अग्निशमन के कर्मचारी मंडी परिसर में रहकर अपने कार्य को करते आ रहे थे। मऊ रानीपुर क्षेत्र में आए दिन आगजनी की तमाम घटनाएं होती थी, लेकिन कम संसाधन होने की वजह से फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। फायर स्टेशन का यहाँ भूमि पूजन माननीय विधायक जी द्वारा किया जा रहा है और इसमें जो है दो यूनिट का जो है फायर स्टेशन प्रशासनिक दो यूनिट का है और ए टाइप का दो बिल्डिंगे हैं और बी टाइप के 24 नंबर का है आवास है। कितनी लागत का है तैयार? ये 1128.73 लाख का है। लगभग कब तक हो जाएगा तैयार? ये लगभग 18 महीना पूरा होने में लगेगा। यहाँ पर भाई इसमें क्या 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 योजनाओं के अंतर्गत इसमें कार्य किए जा रहे हैं? मऊ रानीपुर में जो आज अग्निशमन केंद्र जो बरसों से जिसकी इस क्षेत्र की जनता को इंतजार था कि कब मऊ रानीपुर में फायर स्टेशन स्थापित हो, वो हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की कृपा से आज विधिवत 11,28,73,000 की लागत से अग्निशमन केंद्र का आज विधिवत पूजन हुआ। आज से उसका कार्य प्रारंभ हो जाएगा। इसमें हमारा जो फायर स्टेशन है ये दो यूनिट का है, इसमें एक प्रशासनिक भवन और 24 कर्मचारियों के लिए आवास की व्यवस्था है, एक 25,000 लीटर की टंकी, सारी व्यवस्था इस भवन में है। इससे जो हमारे कर्मचारी के लिए रहने के लिए आवास नहीं था वो सारी अब व्यवस्था होगी। और क्षेत्र में जो लगातार आगजनी की घटनाएं होती हैं उसे हम क्षेत्रवासियों को गांव वासियों को पूरी तरह से निजात मिलेगा। और कितने समय में पूरा हो जाएगा ये कार्य? लगभग 6 महीने के अंदर। एक साल के अंदर लगभग इसको पूरा करेंगे है, तो इसमें 1.5 साल में बनने की व्यवस्था, लेकिन योगी जी की सरकार है, जो भी काम हो रहे हैं समय से काफ़ी पहले पूरे हो रहे हैं। कोरोना जैसी महामारी में आपने देखा होगा कि हमारा जो झांसी से खजुराहो तक 3,200 करोड़ की लागत से 4 लेन बन रहा, कोरोना की वजह से काफ़ी व्यवस्था अस्त व्यस्त रही, लेकिन वो समय से पूरा कर रहे हैं। 6 महीने में वो भी पूरा होने वाला है। तो मऊ रानीपुर में एक विकास की गंगा बह रही है, पूरे उत्तर प्रदेश में देश में विकास की गंगा बह रही है। मोदी जी एक पूरे देश की नहीं पूरी दुनिया के एक शक्तिशाली नेता के रूप में उभरे हैं, जिन्होंने भारतवासियों का मान सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ाने का काम किया है। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी की मोदी जी की काबिलियत की, उनकी विस्तृत सोच की, समय से पहले सारी व्यवस्थाएं करने की, चाहे पहला वेव हो चाहे दूसरा वेव हो और चाहे तीसरे वेव आने की कोई संभावना बनी है, उसके लिए हम सारी व्यवस्थाओं के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। सारी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त हो गई हैं और मोदी जी योगी जी जो दृढ़ता से कार्य कर रहे हैं वो देश की जनता प्रदेश की जनता अच्छी तरह से समझ रही है। लेकिन हमारे कोरोना जो वैश्विक महामारी है इससे हमारा पूरा विश्व चिंतित है, हमारा देश चिंतित है, हमारा प्रदेश चिंतित है और इसकी हमको चिंता करने की सभी को ज़रूरत है। जो भी सरकारी दिशा निर्देश हैं उनका हम पूरी साक्षर उसका पालन
करते रहें, क्योंकि ये समस्या अभी तक पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई है। तो इसमें मास्क लगाएं, सैनिटाइज का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंस भी बनाए रहें। निश्चित तौर पर कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा, हम लोग सफल होंगे। धन्यवाद।